यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो अपने को चैलेंज करने हैं, मतलब जो आंसर की अपना परसों आया था, तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर जो है रॉन्ग दिया हुआ था। तो हमारे जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो कुछ अलग बोल रहे हैं और जो आंसर की है वो कुछ अलग बोल रही है, तो दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अपने को कुछ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जिनको चैलेंज करना है जो कि अपने ऑफिशियल आंसर की के अंदर गलत दिए हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हम आज की वीडियो के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप किया था कि सर ये क्वेश्चन जो है इनमें हमको डाउट लग रहा है। ओवरऑल मिलाकर के मैंने देखा पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो निकल के आए जिनके अंदर जो बच्चों को डाउट था। उन 6 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो चैलेंजेबल है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है मतलब रिमेनिंग जो 4 है वो आपके क्या है पूरे करेक्ट है। मैं 6 के 6 आपको डिस्कस करता हूं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में चल रहा हो कि हाँ आपके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो, लेकिन मैं उनका करेक्ट वर्जन भी जो है वो आपको बता देता हूं एक बार। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो है अपना मार्केटिंग का, मार्केटिंग में जो अपना प्रोडक्ट डिसीजन है तो उसका एक क्वेश्चन था पीएलसी का, और वहां पे ये बताया गया था कि पीएलसी की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो प्राइस डिटरमिनेशन का स्ट्रेटजी क्या क्या होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें था डिक्लाइन, मैच्योरिटी, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन और आगे इनका प्राइसिंग स्ट्रेटजी दे रखा था। इसका आंसर जो करेक्ट गिवन था वो था 3rd, और जो राइट आंसर है वो भी इसका 3rd ही है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज और बच्चे बोले नहीं सर इसका 2nd होगा, ऐसा नहीं है, इसका आंसर दिया हुआ 3rd। जैसे अगर हम बात करते हैं डिक्लाइन स्टेज के ऊपर जो है वो क्या होता है, हर फर्म जो है वो प्राइस रिडक्शन के ऊपर काम करती है। मैच्योरिटी के ऊपर जो है वो क्या होता है, फर्म जो है वो क्या करती है प्राइस को मैच करती है या बीट करने के लिए अपने कंप्यूटर को। ग्रोथ के अंदर जो है वो क्या होता है जी आपका, हम प्राइस को लेकर आते हैं पेनिट्रेट पूरी मार्केट पे कब्जा करने के लिए, पूरी मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा हम जो है वो जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो क्या होता है, बेसिकली हमारा जो प्राइस रहेगा वो होगा प्राइस जो होगा वो होगा कॉस्ट प्लस के अंदर, उसके अंदर थोड़ा बहुत हम जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में डाउट चल रहा है कि इसको चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगा इसको चैलेंज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई नंबर आपको जो है वो नहीं मिलने वाला। करेक्ट आंसर जो है वो ऑफिशियल आंसर की इसका 3rd दिया हुआ है, और एक्चुअल आंसर जो है वो भी इसका क्या आएगा 3rd आएगा, तो इसको जो है वो आपको चैलेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो सामने आया है वो है आपके इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली एक क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपका मोनोपोली से रिलेटेड, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम को कैसे सेटल करना है उसकी कुछ कंडीशन आपको जो है वो दिखा रखी है। अब उसके अंदर टोटल मिला के 5 कंडीशन जो है वो बताया गया था, इन 5 में से जो है वो 3 कंडीशन जो है वो आपकी क्या है एकदम करेक्ट है। कौन कौन सी है, बीसीई। अब बीसीई कंडीशन जो है वो क्या क्या बोलती है, एक तो ये है बोलता है इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, देखो पहले तो ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली आर करेक्ट। पहला ये है कि ए मोनोपोली फॉर्म कैन फिक्स इट्स प्राइस एनीवेयर अलोंग विद डिमांड कर्व, नहीं ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, पहले डिटरमिनेशन करना पड़ता है आउटपुट का और प्राइस का, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड बोलता है इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट रन व्हेन ए मोनोपोली अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट को तो भी वो लेस देन ऑप्टिमम कैपेसिटी से प्रोड्यूस करता है, ये बात एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है स्लोप जो है मोनोपोली का, ध्यान देना इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोलता है स्लोप जो है मोनोपोली एमआर कर्व का वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ इट्स एआर कर्व, ये बात एकदम जो है वो क्या है करेक्ट है। अगर एआर 1 से कम होगा तो एमआर जो है वो 2 से कम होता है, तो स्लोप जो रहेगा मतलब एमआर के अंदर जो फर्क आएगा इन कंपेरिजन टू एआर वो क्या आता है ट्वाइस आता है, ये भी करेक्ट है। फिर बोलता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल इन टू मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कीमत में विभेदीकरण जो आप करते हो वो पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब डिमांड कर्व आइडेंटिकल हो एक जैसे हो, नहीं सर, जब हमारा इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो क्या होती है अलग अलग मार्केट में डिफरेंट होती है तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, अनलेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। और लास्ट है इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मोनोपोलिस का वो हमेशा लगभग परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फॉर्म से हमेशा हाइयर रहता है, ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। तो आंसर की में इसका जो आंसर है वो 4 दिया हुआ था, और हमारे हिसाब से भी आंसर एकदम करेक्ट है बिल्कुल, वो क्या बनेगा 4th ही बनेगा, तो इसको भी चैलेंज करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd क्वेश्चन जो है वो है आपके स्टैट्स का। स्टैट का ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसको आप जरूर चैलेंज कीजिए। इसमें ये दे रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है फॉल्स है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले बता रखा है कि अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं मेजर करने के लिए डेविएशन इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यू टू लीस्ट स्क्वेयर प्रॉपर्टी, ये बात करेक्ट है। सेकंड में बोलता है जेड स्कोर वैल्यू जो है ना एक्स का, ध्यान देना बोलता है जेड स्कोर वैल्यू ऑफ एक्स इज द रेशियो बिटवीन द एक्स डिवाइडेड बाय मीन, तो ऐसा है कि एक्स डिवाइडेड बाय मीन, नहीं सर मीन नहीं है वो एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, और ये आपका जो है वो गलत दिया हुआ है,
तो ये तो गलत ही है आपका। इन्होंने इसी को जो है वो आपका करेक्ट आंसर बता रखा है भाई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं एज अ मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, जो कि उल्टा फॉर्मूला है। फॉर्मूला होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो आंसर जो है इसका 2 और 3 दोनों होगा, जबकि इसके अंदर ओनली 2 दिया हुआ है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। वैसे 2 को भी हम अगर इसका इसका सेकंड जो फॉर्मूला है उससे अगर करें तो सेकंड आपका करेक्ट बन जाता है। आंसर इसका मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए। आप इसको जरूर जो है वो चैलेंज कीजिए तो ये रिवाइज होगा आपका। तो आंसर की में आंसर जो गिवन है वो सेकंड है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका थर्ड होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी आपका, ये है क्वेश्चन आईडी 4101। एक बार थोड़ा मैचिंग कर लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है द पर्पस और एम जो है स्टॉक स्प्लिट का, वो है इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर, स्टॉक स्प्लिट करना। देखो स्टॉक स्प्लिट में हम क्या करते हैं, बड़ी डिनोमिनेशन के शेयर को हम लोग छोटे डिनोमिनेशन के सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 100 रुपए का एक शेयर है उसको 10-10 रुपए के 10 शेयर हमने बना दिए, तो उसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट हम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि मार्केटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, 100 रुपए का पहले एक शेयर था, 10-10 रुपए के अगर आप 10 बना देंगे तो क्या होगा, उससे नंबर ऑफ शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर की में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है आपका सेकंड, दैट इज द ऑप्शन बी एंड डी। बट एज फॉर माय ओपिनियन इसका आंसर बनेगा आपका फोर्थ, दैट इज द ऑप्शन ए डी एंड ई। ए में क्या है, स्टॉक स्प्लिट करते हैं, उसका पर्पस ही है हम इंक्रीज करना चाहते हैं नंबर ऑफ शेयर को, पहला। दूसरा है इसका एंकरेज करना चाहते हैं वाइडर पब्लिक ओनरशिप को, ये भी करेक्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो इनवाइट करते हैं। एंड लास्ट इज रिड्यूस द इंपैक्ट कॉस्ट, जितना लिक्विडिटी बढ़ता है उतना इंपैक्ट कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे, मार्केटेबिलिटी जब शेयर की बढ़ जाती है तो इंपैक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो मेन पर्पस ही होता है कि हम अपनी इंपैक्ट कॉस्ट जो है वो जो शेयर के ऊपर आ रही है उसको क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। तो आंसर की में जो आंसर है वो है आपका सेकंड, जबकि करेक्ट आंसर इसका फोर्थ होना चाहिए। इसके बाद कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा मुझे कि विच वन, ये आपका एचआर का क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द टेस्ट मेजर द एप्लीकेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन ए पर्टिकुलर जॉब इन विच वन ही विल बी अपॉइंटेड। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आंसर की में इसका नाम जो आंसर है वो अचीवमेंट टेस्ट दिया हुआ है, और यहां पे करेक्ट आंसर जो है वो भी आपका अचीवमेंट टेस्ट ही बनता है, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट में यहां पे आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कि लेवल ऑफ नॉलेज आ गया तो इसका मतलब एप्टीट्यूड हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। यहां पूछा गया एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, तो उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट ही होता है। और अचीवमेंट टेस्ट का दूसरा नाम जो है वो है आपका क्या, जॉब नॉलेज टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये करेक्ट है, इसको चैलेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बेफालतू में 200 रुपए आपके खराब हो जाएंगे। और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है मेरे सामने वो है ये वाला जो बच्चों ने भेजा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बच्चों ने यहां पे ये बोला सर इसका आंसर हमारे हिसाब से जो है वो आपका मोर देन वन होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, जो कि एकदम गलत है। आंसर की में इसका आंसर जो है फोर्थ दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से भी आंसर इसका फोर्थ ही बनता है। क्या बोलते हैं, व्हेन द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटीज फॉलो बाय इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू, मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में क्या है, जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो वहां पे ईडी लेस देन वन होता है, ठीक है ना। जब इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू कम हो गया, या प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, तो वहां पे आपका ईडी जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। तो यहां पे ईडी जो है वो क्या रहेगा, लेस देन वन रहेगा। और जो आंसर की मेजर है एकदम करेक्ट है, इसको रिवाइज करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन टोटल जो हमारे सामने आए थे, इनमें से आपको जो है मैंने बता दिया सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जो आप चैलेंज करेंगे तो उसका आपको जो है वो वेटेज मिलेगा, अनलेस बाकी 4 क्वेश्चन में पैसा भी बर्बाद होगा और मुझे लगता नहीं कि वो रिवाइज होंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन है, बाकी फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बना के आपको बता दूंगा, या टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा कि ये चैलेंजेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एज फॉर माय ओपिनियन मेरे हिसाब से ये है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है, आपको गट फीलिंग है कि नहीं रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी चैलेंज करने चाहिए, तो आप कर सकते हैं। 200 रुपए पर क्वेश्चन का फीस लग रहा है, कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिए। क्या हो सकता है कि मेरे व्यूज जो वो गलत हो, लेकिन मैंने अपना पूरे स्टडी के बेस पर आपको बता दें कि ये 2 क्वेश्चन बनते हैं 6 में से जो आपको चैलेंज करना चाहिए। ओके जी सर, चलो आप बाकी देख लीजिए, और जल्दी से टाइम भी अब इसका कम ही बचा है तो आप चैलेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।